देखिए, आप जब जब जमीन से जुड़े हुए कोई भी सब्जेक्ट लेकर आएंगे, आपको भोजपुरी का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए चाहे वो हिंदी में बना रहे हो या साउथ में बना रहे हो, आप जब जमीनी चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भोजपुरी को टच करना ही पड़ेगा। खूबसूरती की कोई टैबलेट या गोली जो बाजार में बिकती हो? ऐसी कोई टैबलेट तो मैं नहीं जानती। हाँ, इसका क्रेडिट आप मेरी मॉम को दे सकते हैं। अब ये तो आंटी से पूछना पड़ेगा। नमस्कार, मैं नीजू, स्वागत करता हूँ सभी का अपने चैनल इंडिया गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटे अंदाज में जूम कीजिए इधर। स्मृति सिन्हा पूरा येलो येलो, मैडम थोड़ा सा टर्निंग कर दिए, थोड़ा सा लुक दिखाइए, आप क्या लग रही है? सबसे पहले स्वागत करते, स्वागत है मैम। थैंक यू भोजपुरी नहीं, इंडिया गॉसिप देख रहे सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले एक बात बताइए, खूबसूरती की कोई टैबलेट या गोली जो बाजार में बिकती हो? ऐसी कोई टैबलेट तो मैं नहीं जानती। हाँ, इसका क्रेडिट आप मेरी मॉम को दे सकते हैं। अब ये तो आंटी से पूछना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले ये पीछे ऐसा वर्द महादेव बी फॉर यू का ये सेगमेंट क्या कहिए? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, ऐसा वर दो महादेव। और हम बहुत सारे परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं और मुझे लगता है करीब करीब पूरी इंडस्ट्री की हीरोइनें यहाँ पर हैं, आज परफॉर्मेंस कर रही हैं अलग अलग। और बहुत ही रंगारंग आप कह सकते हैं माहौल है यहाँ पर। और अब मुझे थोड़ा एंकरिंग के लिए भी जाना है, तो इसके लिए मैं थोड़ा अलग रेडी हुई हूँ। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम आधे सुपरस्टार, आप कह सकते हैं एक्ट्रेस, सारे पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से जब गेट टुगेदर होता है, स्मृति सिन्हा खुद कई एक्ट्रेसों से, अपनी फ्रेंड से 1 साल या 6 महीने के बाद मिलते होंगे, क्योंकि सब कोई अपने लाइफ में बिजी है हर कोई, तो कैसा रिएक्शन होता है? सबसे पहले तो ऐसे किसी भी गैदरिंग के लिए अभय सिन्हा सर को थैंक यू करना चाहूँगी। उनके एक मैं कह सकती हूँ कि उनके एक बोल पर सारी इंडस्ट्री खड़ी रहती है, सारी इंडस्ट्री आ जाती है। तो इतना उन्होंने भी हमें प्यार दिया है, सम्मान दिया है अभी तक, और हम भी उनका इतना सम्मान करते हैं, तहे दिल से करते हैं। और हाँ, ये जो हमें मौका मिलता है एक साथ जुटने का, अच्छे से एक अच्छे माहौल में पॉजिटिविटी के साथ, तो बहुत मज़ा आता है। और जिन जिन दोस्तों से हम बहुत टाइम से नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्या गॉसिप होती है? गॉसिप वाली बातें तो मतलब, अब 6 महीने के बाद अगर आपने किसी से मिला हो तो क्या पहला रिएक्शन क्या होता है कि गॉसिप क्या मतलब, स्टार्ट कैसे करते हो आप लोग, बातें कैसे क्या करते हो? आई एम नॉट अ गॉसिप गर्ल फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा ऐसा, हर लड़की गॉसिप कर ले, ये एक्सक्यूज नहीं होता, हर लड़की ही गॉसिप है, ऐसा नहीं कह सकते। मैंने लड़कों को लड़कियों से ज्यादा गॉसिप करते सुना है। पक्का? हाँ। तो गॉसिप इज एन आर्ट, समझा? वो लड़के और लड़कियों पे बटा हुआ नहीं है। तो हाँ, जब हम मिलते हैं तो इनफैक्ट अभी तो बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, बिकॉज सबके सब बिजी हैं, सब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सब अपने अपने शूट से भाग भाग कर आए हैं यहाँ परफॉर्मेंस करके और फिर से वापस जाना है। अरे, कब तक ये आएगा, टेलीकास्ट कब तक होगा, ये कब कुछ अपडेट है? ये मेरे ख्याल से 15 अगस्त को आने वाला है और बिफोर यू भोजपुरी चैनल पर आने वाला है। तो आप लोग ज़रूर देखें और हमारे परफॉर्मेंस को चेरिश करें, एंजॉय करें और महादेव की स्तुति करें। मैम, एक कंट्रोवर्सी सवाल है, पवन सिंह स्त्री 2 को लेकर गाना गाए, लोग इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, स्मृति सिन्हा किस तरीके का रिएक्शन है? इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? नहीं, लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह ने लकीर खींच दिया, इसी पर लोग रगेंगे, पवन सिंह का पक्ष एक, फैंस का अलग पक्ष आ रहा है, खेसारी जी का फैन का पक्ष अलग आ रहा है, तो ये कंट्रोवर्सी एक सोशल मीडिया पर क्रिएट हो चुका है, आप किस तरीके से देखते हो इस चीज़ को? मुझे तो ये भोजपुरी, इनफैक्ट भोजपुरी के बहुत सारे लोगों ने हिंदी फिल्मों में गाना गाया है, हमारे मनोज तिवारी जी कब से गा रहे हैं, तो ये कोई नई लकीर नहीं खींची है। बट यस, मैं कहना चाहूँगी कि पवन जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि उन्होंने एक अच्छी, उनके लाइफ में एक अच्छी शुरुआत की है। सो ऑल द बेस्ट। रील बनाए, आपने गाना सुना कि नहीं सुना? हाँ, सुना है ना, बिल्कुल सुना है। कैसा लगा गाना? मुझे अच्छा लगा, गाना बहुत प्यारा है। लिरिक्स पे आपने ध्यान दिया?
भोजपुरी का मिक्स वर्जन है, आई नहीं खेतों में जाई नहीं पटाई नहीं, ये पूरा भोजपुरी जो जोनर होता है जैसे मुन्नी बदनाम आप कह सकते हो, बीच बीच में जो बॉलीवुड के तड़के में जो भोजपुरी सॉन्ग्स पर वर्जन डाला जाता है वही वाला है तड़का। देखिए आप जब जब जमीन से जुड़े हुए कोई भी सब्जेक्ट लेकर आएंगे आपको भोजपुरी का सहारा लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए चाहे वो हिंदी में बना रहे हों या साउथ में बना रहे हों, आप जब जमीनी चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भोजपुरी को टच करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये इसलिए ऐसा है। क्या कहिएगा जो अभी तक गाने नहीं सुना उसके लगे क्या कहिएगा? बिल्कुल सुनो, और बल्कि मैं तो स्त्री टू को मैं प्रमोट तो नहीं कर रही, आई एम नो बडी टू प्रमोट स्त्री टू, बट स्त्री टू के दोनों ही गाने जो भी गाने आए हैं अभी तक दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो अलग अलग फ्लेवर के दो गाने आए हैं अभी तक, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं और इस फिल्म का मैं खुद वेट कर रही हूँ। तो फैंस से क्या कहिएगा थोड़ा स्मृति सिन्हा का गॉसिप के अंदाज में या फिर अपने चटपटे अंदाज में थोड़ा सा? स्मृति सिन्हा के अंदाज में अपने फैंस से तो बस इतना ही कहूंगी कि गॉसिप से दूर रहा करो, और जब किया करो तो सोचो कि आगे पीछे कोई ना होना चाहिए जो कि उसको कवर कर ले। क्या बात है, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू।